वेलकम टू टेकबल्क। पबजी खेलने वालों के लिए आ गई है एक बड़ी न्यूज़। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस न्यूज़ के बारे में। उससे पहले पबजी लवर से मेरी खास रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए टेकबल्क। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पबजी एक वर्ल्ड फेमस गेम है और इसे काफ़ी लोग खेलना पसंद करते हैं, पर दिन पर दिन इसके कई बुरे प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसे ज़्यादा खेलने वाले लोगों को इसका एडिक्शन हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की मेंटली प्रॉब्लम भी हो रही है और इससे यूथ में कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। और इन सबको देखते हुए टेंसेंट गेम और पबजी कॉरपोरेशन ने दबाव में आकर भारतीय गेम प्लेयर्स के लिए 6 घंटे की रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी लगा दी है। इस रेस्ट्रिक्शन के बाद खिलाड़ियों को 2 घंटे के बाद एक वार्निंग दी जाती है और फिर 4 घंटे के बाद एक और वार्निंग दी जाती है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उनकी लिमिट पूरी होने वाली है, और 6 घंटे के बाद उन्हें एक हेल्थ रिमाइंडर नाम का पॉपअप दिखाया जाता है, जिनमें उन्हें कहा जाता है कि आप 6 घंटे खेल चुके हैं और अब आप 24 घंटे बाद ही दोबारा से इस गेम को खेल पाएंगे। यह रिस्ट्रिक्शन गुजरात में गेम पर बैन लगाने और पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों के बाद हुआ है। हमारे एक पबजी लवर फ्रेंड ने बताया कि गुरुवार को 6 घंटे से अधिक गेम खेलने पर उन्हें एक नोटिफिकेशन दिखाया गया और उन्हें फिर से गेम खेलने से पहले 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। पबजी कॉरपोरेशन ने अपने एक बयान में कहा कि उन्होंने ये गेम केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया है, ना कि यूथ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फैलाने के लिए। आपका इस रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।